भाई दूर से देखा कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, वहाँ से मुझे देखिए आग निकली है वहाँ से। भाई हमारे आए हैं कहाँ से? दिल्ली से। क्यों क्यों मजाक नहीं कर रहा, खाने का सामान इतना है मेरे मुंह से यूं दारा। ये अंसारी रोड है भाई, बालाजी रोड। अब फिलहाल बालाजी रोड बना दिए। ये आ गया भैया बालाजी चौराया टाउन हॉल के पास। भाई गाली करने वाले भी कम नहीं है भाई। बड़े और ये हमारे मुकुलोड बीच भाई को नमस्कार। मैटर मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। भाई स्वागत है एक और नए व्लॉग में, और जैसे कि लास्ट व्लॉग में देखा होगा वो थे हमारे बालाजी यात्रा के पार्ट 1, 2, 3 जो भी रहे होंगे वो, क्योंकि मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। अब हो चुका है भाई शाम का टाइम, पूरी यात्रा बड़ी की बड़ी वो हमने आपको एक साथ अभी तक दिखाई नहीं, वो हम आपको अब दिखाएंगे क्योंकि अब पूरी यात्रा इकट्ठी हो चुकी है। मेन बात क्या है जो सामने दिख रही है हमें? हाँ ये रात में दिखेगा दिन। सही बात, ऐसी लाइटें दिखेंगी ना, ऐसी लाइटें मतलब क्या लाइटें क्या डीजे, अच्छी अच्छी डीजे पहले भाई। और जो सारे लाइटिंग नहीं मिलेगी। करेक्ट। और जो सारे डीजे थे ना दिन में, वो दिन में इकट्ठे नहीं हुए थे, अब शाम में इकट्ठे होंगे। और पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा मंडी वाली साइड पुल के इस साइड, अब भोपा पुल के उस साइड जाएंगे और वहाँ का माहौल अलग ही है भाई। पता क्या है यहाँ लाइटें इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आसपास की जितने भी वो है ना हमारे पास आसपास सिटी के आसपास के, जैसे बागपत शामली इधर ही है सारे डीजे। हाँ सारे डीजे यहाँ पे हुए भाई। सही बात है, दूर दूर से डीजे आ रखे मेरठ से बागपत से, मतलब बहुत सारे जो नाम है ना बड़े बड़े अमर और ये डीजे कसाना वसाना सब आए हुए। तो चलते हैं भाई और बेटर देखते हैं कि अब क्या मजा आने वाला है। और जिसने अब तक पहला ब्लॉग ना देखा हो पहले जाके वो देखो, तब तुम्हें और अच्छा मजा आएगा देखने में, है ना भाई? जाओ जाके देखो पहले वाला देखो और फिर सुबह मिलेगा मस्त एकदम। वो देखो अगर तुम्हें दिख रहा हूँ ऊपर देखो आसमान में लाइट है। गाड़ी छोड़ो बाइक से जाने की भी जगह नहीं है, तो बाइक पार्क करते हैं कहीं, उसके बाद घूमेंगे पैदल। तुम्हें बोला था पहले व्लॉग में कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा है, वो बात मजाक नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त मित्र, वो बात असली है। हल्के बना लियो हमारे शहर को, अभी इसका दिखाऊंगा प्रूफ सबसे लंबी यात्रा क्यों बोलते हैं इसको भाई। मतलब पासी में जाने के लिए हम जो है यू टर्न से अंदर से घूम के, मतलब बाइक में भी दिक्कत हो जा रही है क्योंकि सारा शहर सड़क पे आ चुका है भाई साहब। मतलब ये मान लो कि जो भीड़ आपने पिछले ब्लॉग में देखी होगी ना वो टाइम था दिन का, उससे ज्यादा भीड़ मिलेगी रात के टाइम फिलहाल, मतलब अंधी भीड़। बोलो बालाजी महाराज की। सेवा खाने पीने की जल की, सुबह से लेके शाम हो चुकी रात, चाय बज जाएंगे दो, रात के 2 बजे गए ना तब भी सेवा चलेगी। देखना बोला दीपक का कि रात को दिन निकलेगा, रात को दिन। और ये तो सिर्फ दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये है खाली क्या बोलते हैं टीजर, ये खाली टीजर है। आगे आगे देखना कि कितना मजा आने वाला है। जो डीजे की लाइटिंग है ना मुझे अब पता चला ये डीजे वही वाला जो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, जो इन्होंने लगाया प्रशांत भाई ने। भाई साहब मान गया खतरनाक जहरीला डीजे, जहरीला साउंड भी कैडी और लाइट तो और भी कैडी, मौज कर दी। यही चाह रहा था, यही चाह रहा था। क्या सिस्टम है? अच्छा यहाँ से फूल जाएंगे वहां को निकलेंगे, यहाँ से ज्यादा का फूल। क्या वेलकम करा है, क्या वेलकम करा है जी, मान गए मौज कर दी ना, मौज कर दी भाई। क्या बन रहा है माहौल, वो डीजे अपने वाला ये रात और ये वाला सिस्टम, मजा आ गया भाई, मजा कर दिया भाई मजा। गुल्लू। अरे भाई क्या ये नहीं मानने के आज भाई भक्ति में लौंडे पागल हो चुके हैं, ये नहीं मानने के आज भक्ति में पागल। जनि पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन राम दूत तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमान। इसमें बहुत कम यात्रा जा रही है पर फिर भी देखो हर जगह देखे देखना भाई ऊपर देखो ऊपर क्या झंडा लगा रखा, मतलब ऐसी वाली फीलिंग है आज तो के जो नाले नाम राम का वो किस काम का, किस काम का वो वाला फीलिंग है आज पूरी की पूरी। तो भाई शहर से प्यार तो बहुत ही मिल रहा है, मतलब मजा आ गया देख के कितने लोग सपोर्ट करते हैं भाई। मेरे कुछ नाम क्या तुम्हारा? अरिंदम। अरिंदम तुम्हें क्या लगता है, जैसे तुम कभी बाहर घूमने गए अपने घर वालों के साथ, तुम्हें लगता है कि किसी और शहर में ऐसा होता होगा? बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ एक एकमात्र शहर है मुजफ्फरनगर ही है भैया ऐसा।
बच्चा बच्चा बोलता है भाई साहब, दूर दूर से घूमने आते हैं आज स्पेशल। सही बात है, जो रिश्तेदार यहाँ के दूर रहते हैं दिल्ली विल्ली के, भाई आज यहाँ रहेंगे पूरा दिन, ये वाली बात है। हाँ ये बात है, जब से पीछे आ रहे फोन पे बात कर रहे थे, आप मुझे वहाँ दिखे तो खड़े बढ़िया बढ़िया भाई, ऐसे ही देखना सबको बना रखना ठीक है। बोलो बालाजी महाराज की जय। भाई दूर से देखा कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, वहाँ से मुझे देखी आग निकली है वहाँ से, कुछ तो हो रहा है खतरनाक। आग का जल्दी आग, रात को मेरे मजा इसका आता है कि रात को चलते हैं, सब आर्टिस्ट नहीं करते परफॉर्म, इसमें बड़ा मजा आता है चीज़ों में। वो लग गई भाई आग पूछ में, ये माहौल है शहर से। पहले हमने सोचा कि उन्हें गांधी कॉलोनी देख ले यार, गांधी कॉलोनी हम देख नहीं पा रहे, मुझे लगा कि भीड़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आती है रात को, यहाँ पे आती है यहाँ तरह रात को 12 बजे, पर यहाँ देखना माहौल, यहाँ तो अलग ही माहौल बना पड़ा है अभी से ही, अभी बजे 9 और जबकि आज पूरा शहर सड़कों पे है ना दीपू भाई, देखा जाता हूँ विद फैमिली, वो भी बच्चे और लेडीज सब। और भाई वही वाली बात, कितनी बार बोलूँ कि कितने खुले जो लोग हैं, हर तरफ भटेगा हर तरफ, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे प्रसाद ना बढ़ रहा हो। अच्छा हम गांधी कॉलोनी में तो यहाँ सबसे ज्यादा मिली होगी चाट टिक्की, क्योंकि यहाँ के लोग शौकीन है उस चीज के बाद। भाई लाइटिंग एंड ऑल, क्या भीड़ है, क्या धमाका, एक तरफा सीन भाई, एक तरफा सीन यार, इतनी भीड़ तो मैंने लास्ट ईयर में नहीं देख रही, सही बताऊँ कुंभ का मेला। हाँ सही है, कुंभ का मेले वाली बात है, देखो जरा भीड़ देखो भाई, ऐसा शायद ही मैंने फर्स्ट टाइम देखा गांधी कॉलोनी में ऐसा, मतलब पैर रखने की जगह नहीं भाई, पैर रखने की, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट भाई। और ये हमारे मुकुल ऑन बीच भाई को नमस्कार, नमस्कार, सारे भाई नारा लगाएंगे जयकारा वीर बजरंग, बालाजी महाराज की जय, बोलो जय श्री राम। नी सिंधूरम अभय प्रदम भव सागरा, नी दिव्य रूपम मरुधैर्यमो गुण सागरा। कितने मेहनत से और कितने मन से बांट रहे हैं भाई लोग, गजब यार, क्या श्रद्धा है, मतलब मानना पड़ेगा भाई। गांधी कॉलोनी वाले भी कम नहीं है, कम नहीं है भाई, गांधी कॉलोनी वाले कम नहीं है भाई, मुझे लगा था कि खाली जो मंडी वाले नाम कर रखी है, बट गांधी कॉलोनी वाले मतलब टक्कर बराबर की दी है भाई, पुराने रजिस्टर्ड लोग हैं। हां सही बात है भाई, सबसे अल्टीमेट बात क्या आज के दिन में, आज मुझे भूख लगे मैं रुको खाना खाऊं कहीं भी किसी भी गली में, मुझे बड़ा मैं आज कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, छोले चावल कढ़ी चावल माय फेवरेट, राजमा चावल, चावल ये सब बिना प्याज के, सब बिना प्याज, फुल टेस्टी और उतना ही टेस्टी, उतना ही टेस्टी, क्योंकि ये है प्रसाद का नाम का प्याज, भगवान का प्रसाद है, अलग ही मजा आता है। घूमते घूमते थक गए तो बीच में खा लो, और अनगिनत जगह खाता तो अनगिनत जगह, किसी भी जगह रुको खाना खाओ, उसके बाद मन कर रहा है मीठे का तो खीर हलवा वो मिल जाएगा, मन कर रहा है कि थोड़ी गर्मी लग रही है तो ठंडा पी लो, आइसक्रीम खा लो, सब बट रहा है, सब जलजीरा पी लो, जलजीरा पी लो, सब बटने में लगा हुआ। देखो भाई ये वाला पुल है जो हमारी वो है गांधी कॉलोनी, ये वहाँ से आने का पुल है। बात क्या है कि अभी बज रहे 9:30, यात्रा का फर्स्ट रथ है वो यहाँ पे आएगा भाई 12 बजे रहूँगा, जो तुमने अभी भीड़ देखी ना। हेलो, हम आपका जन्म जरूर वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। बोलो बालाजी महाराज की। तो भाई यहाँ क्या बात चल रही थी, ये जो है पुल यहाँ पे मेन रथ तो आएगा 4 बजे, और तब भी जो भीड़ है ना इससे थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, पर भीड़ तब भी रहेगी, बट अभी भी लोग अभी से एक्साइटेड हैं कि भाई यात्रा चल रही है, मतलब तुम देखने वाली बात है कि यात्रा बहुत दूर है भी इनके यहाँ से, पर एक्साइटमेंट पूरा है, यात्रा दूर नहीं, यात्रा 4 घंटे दूर है, चार घंटे तो दूर बता रहे हैं, उसका मुंह जो है 7 घंटे करीब, तो वो वाला मैटर है कि लोगों के अंदर उत्साह इतना है कि बस भाई आज यात्रा है भाई, मेन भोपा पुल और वो चल रही यात्रा, और देखो क्या सीन है वहाँ पे, क्या ही सीन है, मतलब मैं आपको इसका ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई किस हिसाब से भीड़ लगी हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बहुत भीड़ तुमने देख ली, भाई कितनी भीड़ है मंडी में गांधी कॉलोनी में, अब तुम्हें दिखाता हूँ असली भीड़, असली मतलब अफरा तफरी से कहते हैं, अफरा तफरी यात्रा का पीक पॉइंट शहर का एरिया जो है।
यंसाई रोड है भाई, भीड़ देखो क्योंकि आज पूरा शहर ही बालाजी के रंग में रंगा हुआ है। पूरा शहर बालाजी रोड, अब फिलहाल बालाजी रोड बना दिए। शहर की सारी सड़क मतलब बालाजी की सड़क। आज सही बात, आज के दिन सारी सड़क बालाजी की सड़क, सब रंग चुके हैं बालाजी के रंग में। अब सुनने में आया कि आगे चल रहा है जो हमारा भाई है, छोटा भाई काकू, जो उनकी समिति का डीजे है, उसके चल रहा है डीजे कॉम्पिटिशन। एक बार देख के आते हैं आगे कि मैटर क्या है। और आज तुम्हें दीपक भाई, तुम बचपन से यहाँ रह रहे हो शहर में, तुम्हें आज इतना पैदल घुमा दूंगा कि तुम कभी नहीं घूमोगे जीवन में। चार दिन का जो है घूम सारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो हो चुकी आदत, मुझे दो साल हो गए सारी यात्रा के ब्लॉग बना दिए, बालाजी कांवड़ यात्रा सबकी, मुझे तो हो चुकी आदत। और तुम सारा शहर घुमा दो पैदल पैदल वो भी। और एक बात है, आज तुम्हें नहीं हो रहा फील नहीं हो रहा भाई, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूंगा भाई यहाँ से आ जाओ, तुम बोलेगा अच्छा मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ सकता, चला जाएगा। भाई तू आ जा तो लेने, अगर मैं नहीं आ रहा वो हो जाएगा। पर आज के दिन मन करता है घूमने का, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, प्रसाद ही प्रसाद बढ़ रहा, प्रसाद ही प्रसाद। भैया अंसाई रोड से इधर आ गए, जो रोड सिटी रोड है, जो रोड की रोड शिवमूर्ति आती है, जो हमारा हार्ट ऑफ द सिटी शिवमूर्ति है। मैंने सोचा अब यहाँ तक आ गए तो वहाँ भी आपको दिखाता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है। पर भीड़ कहीं भी कम नहीं है भाई, कहीं भी बुरा हाल है, बेहिसाब भीड़, बेहिसाब भीड़। यहाँ थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइट वाइट शायद लगा नहीं रखी किसी ने। अच्छा यहाँ पे सारी शॉप्स है ना, शॉप्स है सारी यहाँ पे, दूसरे सब अपने हाँ गलत है, यहाँ पे होनी चाहिए लाइटिंग, पर भीड़ बहुत आगे तक। कहाँ कहाँ से डीजे आए हुए, नंबरदार कपिल नंबरदार, शायद नोएडा वोडा से आया भाई, एक सूरज डीजे। यहाँ पे आगे थोड़ा मामला ठंडा है क्योंकि यात्रा बहुत पीछे है और डीजे का सेटअप आगे पहुँच चुके हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा शांति है। बट यात्रा बस पहुँचने वाले हैं, फिर ये भी स्टार्ट हो जाएंगे सारे। और जो शिवमूर्ति है वो हमारा है हार्ट ऑफ द सिटी, वहाँ पे अलग ही वो बनता है माहौल, जैसी यात्रा यहाँ से निकलेगी ना तो अलग ही भीड़ अलग ही माहौल होगा। वो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि वो शहर अलग है, ये शहर अलग है, ये शहर अलग है, ये जॉम्बी एरिया है। हाँ ये जॉम्बी एरिया, वहाँ देखो वहाँ अलग ही रौनक है। स्मरणम दिव्य मार्गमूरण धीरुड़ा नी दिव्य चरणम मम शरणमो बलधामुरा। क्या दर्शन हमारे भोले भंडारी के, हार्ट ऑफ द सिटी शिव मूर्ति, जो मेन एरिया है हमारे शहर का, कर लो दर्शन भाई। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, मजा नहीं आया शंकर भगवान की। ये हमारे भैया मिले, बताओ अपने बारे में। डीजे करण वाल डीजे बन्ना डीजे डीजे करनवाल भाई हमारे आए हैं कहाँ से? दिल्ली से। क्यों क्यों? क्योंकि ऐसी यात्रा कहीं देखने को नहीं मिलेगी, है ना मानने वाली बात? ये बात, ये बात, ये हुई बात, ये हुई बात, हनुमान जयंती पूरे इंडिया के अंदर, सही बात, सही बात, सही बात, हाँ सही बात। बोलो शंकर भगवान की। इतने सारे डीजे लगे हुए हैं जिससे कोई गिनती नहीं है, जो यात्रा के तो अलग हैं, जो ये स्टैंडिंग वाले ये अलग हैं। हर तरफ डीजे, हर तरफ स्टॉल, हर तरफ माहौल। नी नाम स्मरणम दिव्य मार्गमूरण धीरुड़ा नी दिव्य चरणम मम शरणमो बलधामुरा। मैं कह रहा आप कहाँ से? यहीं से हो? जी भाई। ऐसी यात्रा और कहीं हो सके? सुपर। और कहीं हो सके? नहीं कभी नहीं हो सकती, कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं हो सकती। वर्ल्ड की, सही बात, मैं तो कह रहा था इंडिया, भाई ने वर्ल्ड ही बोल दी, सही बात है। हमारा स्कूल का मित्र यश शर्मा जी, बता आज तो मंगल है, आज तो ऑफ नहीं होगा, तो तू क्यों आया भाई इसके लिए? सही में स्पेशल फ्रॉम नोएडा, मुजफ्फरनगर का होके बालाजी यात्रा में ना हो तो क्या फायदा, क्या फायदा फिर? सही बात, छुट्टी लो चाहे कुछ हो। ये हमारी आंटी जी आई हुई है, आंटी जी बताओ भाई, बच्चों से मैंने पूछ लिया कि कितना मजा आ रहा, सब पूछ लिया, आंटी से पूछ रही है, उसकी मम्मी है, आंटी जी बताओ ये जो माहौल है जो देश में और कहीं हो सके ऐसा, ऐसी बात नहीं, नहीं ये तो मुजफ्फरनगर की जान है, पूरे तो हमारे यहाँ होगा, सही बात। तो इसका पूरे साल इंतजार करते हैं हम, हाँ मतलब कि होली दिवाली एक तरफ, हाँ जहाँ तक याद करो, जहाँ तक नजर जा रही है, जहाँ तक नजर जा रही है ना, जहाँ तक आप देख पा रही है वहाँ तक सिर्फ जनता ही जनता है, जनता ही जनता है हर तरफ, हर तरफ। बोलो बालाजी महाराज की जय। I'm gonna be there. I'm gonna be there.
हमारी मंडली भाई अपनी मंडली है काकू के साथ वाली, इन्होंने भी बढ़िया बहुत मान रखी है, सामान बट रहा बैक टू बैक, पानी केले खिलौने, क्या बात है। मजाक नहीं कर रहा, खाने का सामान इतना है मेरे मुंह से यूद आ रहा जिसके हाथ में आ रहा है भाई, यूद आ रहा। ये फेंकते यहाँ से तो सामान जाता उड़ते हुए, तो तेरी वो पकड़ा कैच। जो आप सब देख रहे हो गंदगी, इससे पहले कि कोई कमेंट करे कि बहुत गंदगी फैला दी, ये कल सुबह साफ मिलेगी जी। ये बात कहा से गंदगी कल सुबह साफ मिलेगी, सब साफ। इससे पहले और कोई लिख के एक गंदगी फैला दो, ये हो तो बालाजी महाराज की कल दिन तक साफ है मामले। इससे पहले कोई हीरो बन के लिख के गंदगी बुला दिए हो, हीरो नहीं बनना। 7 बजे तक सब साफ है। अब इस बार 400 बार इसके हाथ में पिछले 2 घंटे देख रहा हूँ मैं, और इसने ऊपर रखा हुआ है जब से, इसे पूरा भरोसा है कि 400 बार इस बार है। ये आ गया भैया बालाजी चौराया टाउन हॉल के पास, आगे मेरा स्कूल है और यहाँ का मॉल चेक करो। ये बचा था मुझे दिखाना, मैंने कहा ये भी दिखाऊंगा जब सब दिखा रहा हूँ, तो मॉल चेक करो एक बार। क्या बजेगा ये, क्या सेटअप है, क्या ही सेटअप है भाई। ये देखो भाई, ये सोल्जर बोर्ड, यहाँ से यात्रा की एक पूछ पीछे की पूछ यहाँ से आएगी, अभी जो मेन रथ है वो बहुत पीछे है, और जो मुंह है सर जो है यात्रा का वो यहाँ से जा रहा है पूरा गोल चक्कर मार के उल्टा। भाई साहब क्या लाइटिंग है, क्या लाइटिंग है भाई, क्या लाइटिंग है। तो सोचो के कितनी लंबी यात्रा है, ये सांप की तरह घूम गई पूरी, उसके बाद में अपनी पूछ काट ली जैसे गेम खेलते थे ना पहले वैसे वाला। एक भाई अपने भाई मिले, भाई का नाम क्या है, प्रशांत शर्मा। देखते हो वीडियो, सारी वीडियो देखो, लाइक करो भाई, अच्छी लगती है, एक नंबर की वीडियो बनाते हो। अच्छा बताओ हमारा शहर सिटी ऑफ क्राइम है, सिटी ऑफ कल्चर, सिटी ऑफ कल्चर, वो नाम आपका क्या है, रहते क्या ये भाई का रथ है। बोलो बालाजी महाराज की। भाई एक बात बोल रही है रिटायर हुई, अभी हमारा हाल खराब हो गया, जो बैंड बजाने वाले डीजे वाले जो चल रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, हिम्मत माननी पड़ेगी भाई, रिस्पेक्ट। बताओ भाई क्या बोलना चाहते हो आप, आपके मन में क्या ऐसी बात आ गई, क्या बात आ गई आपके मन में, आपको क्या हो गया, क्या बोलना चाह रही। मैं ये बोलना चाह रही कि मैं बहुत दिनों से मुकुल ऑन व्हील्स के जितने व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं उनसे मिली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दिन से व्लॉगिंग तो नहीं आ रहे थे। हाँ, तो दूसरा काम कर रहे थे ना, वो वाली वीडियो बाद में थोड़ा उनसे मिलना चाह रही हूँ, और ये खुशी का मौका भी है। बालाजी जन्मोत्सव, बालाजी जयंती, सही बात, जयंती नहीं बोलना, जयंती बता दो एक बार, जयंती उसकी बोली जाती है जो जा चुके हैं दुनिया से, हनुमान जी यही है बालाजी। हाँ चिरंजीवी है हनुमान जी, हनुमान जी यही है, हनुमान जी पृथ्वी पर ही, जयंती नहीं बोलना, इसलिए इनको चिरंजीवी कहते हैं। तो बालाजी जन्मोत्सव के विशेष मौके पर तो मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, हाय गाइस, आप सब कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। देखो बात खुशी का मौका है कि जैसे मुकुल ने अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट की थी मुजफ्फरनगर के ऊपर, कि मुजफ्फरनगर हमारा क्राइम सिटी थोड़ा सा डिफेम था पहले, फिर इसने उसको दिखाया कि ये सिटी ऑफ कल्चर, सिटी ऑफ कल्चर, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं बेहिसाब।
लेकिन अब मुझे देख के, मैं तो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ, अब मुझे देख के ऐसा लगा कि यहाँ इतनी यात्राएं निकलती हैं, अगर इसको यात्राओं की नगरी कहा जाए ना, यात्राओं का शहर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सिटी ऑफ क्या, क्या नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होने की, मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हिंदी की टीचर रही है ना। हाँ, बालाजी यात्रा, कावड़ यात्रा, खाटू श्याम की यात्रा है भाई, दुनिया भर गणेश यात्रा, इन्हें बहाना चाहिए लोगों को यहाँ के। हाँ, के यात्रा से निकाल दो एक और खुशी अपना भक्ति का मौका चाहिए। अंधाई वो बांटेंगे खाना। हाँ, वाना अंधाई प्रसाद बांटेंगे, और उसमें खाली है नहीं, तन से भी मन से भी धन से हर तरीके से, हर तरीके से। ये तो बात, हमें तो बस जैसे ये है कि एक मौका चाहिए। यहाँ के लोग जो है ना, दीवाने भी है, मस्ताने भी हैं, और भक्ति के भरे हुए पैमाने भी हैं। तभी उसका मतलब बहुत दिन से भरी बैठी थी, कह रही मुझे जरा ब्लॉग में लो, बहुत दिन हो गए, अपने आप कह रही थी। तो जैसे कि हमने सुना है कि मतलब दिल्ली को बोलते हैं दिल वालों का शहर, मुझे फ़ोन कर तो मन वालों का है। ये ऐसे कर सकते हैं, मैसे मुझे फ़ोन कर, मैसे मन। मन वाले बहुत बड़ा मन है यहाँ के लोगों का, मुझे फ़ोन कर मन वालों का है। बस तो है, यात्रा का मौका चाहिए और भक्ति का, दीवाने हो जाते हैं बस। अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि ये देख रहे तो जानी भाई, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है। बाकी भाई बात यही है, था पार्ट थ्री, और इसमें वीडियो से देख लूंगी ना मैं, हाँ। थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रहता है मुझे। मैं नहीं भी गई ना, हाँ। तो मुझे पता, मुझे वीडियो देखने से मुझे सब कुछ घर बैठे ही दिख जाता है। सही बात। और ऐसे मेरे जैसे बहुत होंगे जो, हाँ। नहीं गए होंगे, वो ऐसे देख के आनंद लें पूरा। सही बात है। और मजे लें पूरा, मैं बहुत खुश हूँ बात की। सही बात। तो जो घर बैठे देखते हैं वो भाई शेयर भी करो, औरों को भी दिखाओ। फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया कैसे तैयारी होती है, सेकंड में आपको मैंने घुमाई मंडी और जहाँ से मतलब स्टार्टिंग वगैरह होती है, और इसमें मैंने आपको घुमाया गांधी कॉलोनी और शहर का मेन मैटर। अब थर्ड वाले में भाई आपको दिखाऊंगा, जो बहुत लौंडे वेट कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि डीजे कंपटीशन का है भैया। तो डीजे कंपटीशन भाई 3-4 हुए थे, इसमें बड़ा मजा आया था, वो मैंने अलग रखे हुए निकाल के। इसके बाद वो वाला पार्ट आएगा और वो लास्ट पार्ट है इस बालाजी यात्रा का, तो उसके लिए बने रहो, पार्ट 4 वही आएगा। क्योंकि मुझे पता है अपने डीजे वाले जो लौंडे हैं, अपने जो वो वाली ऑडियंस है वो अलग ही वेट करने में लगी हुई वाली, बट बात समझो भाई, वो भी जरूरी है, बट ये सब दिखाना भी जरूरी है पूरे शहर का अपना मैटर। क्योंकि जैसे कि मैं बोलता रहा, मम्मी भी बोल रही थी कि ये यात्रा बहुत अलग चीज है हमारे शहर की, और मैं चाहता हूँ कि ये यात्रा मेरे ब्लॉग्स के थ्रू शहर के बाहर तक पहुंचे। उसके लिए आपको भाई छोटा सा काम करना है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई जितना हो सके शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, फेसबुक पे डालो, अपने दोस्तों को दिखाओ, रिश्तेदारों को दिखाओ। और अभी के लिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग का इवेंट करते हैं, और अगर आगे भी ऐसे कुछ मैटर आपको देखना है, ऐसी चीजें देखनी है, तो भाई नीचे लाल बटन आ रहा होगा, अगर अब तक उसको नहीं दबाया तो दबा के जाना और सब्सक्राइब करके जाना। आपसे मिलता हूं अगले ब्लॉग में, जो कि पार्ट 4 ऑफ बालाजी यात्रा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम और बालाजी महाराज की जय। और एक और बात, शायद मैं आपको 27 तारीख को जा रहा हूँ, मैं शायद शाहपुर, वहां भी एक यात्रा निकलने वाली है बालाजी की, शायद मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, उसके लिए फटाफट सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मैटर मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई, मिला शहर से प्यार भरू खून से सिखाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।